साथियों, कई अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक अभी अभी नोटिफिकेशन आया है पीएनपी वेबसाइट पे, जिसमें काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है, कब से काउंसलिंग शुरू है, कब से हम आवेदन करेंगे काउंसलिंग के लिए और कब नियुक्ति मिलेगी, एसेट्रा एसेट्रा। इसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही है कई न्यूज़ चैनल्स पे, जिसमें कहा जा रहा है कि 40,000 आवेदनों पर संकट है। अगर ऐसा होता है कि 40,000 आवेदन पत्र कैंसिल होते हैं, तो ये मेरिट पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, एकदम गेम पलट जाएगा। तो चलिए वन बाई वन देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। देखिए, अभी अभी आया हुआ नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। 13 मई सन 2020, उसके बाद ये क्या कह रहा है। परिषद द्वारा संचालित प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 पदों पर भर्ती के संबंध में, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, हम मोटी मोटी बातें बता देते हैं। आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारंभिक तिथि 18/5 से आप अपराह्न से भर सकते हैं आवेदन। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/5 मध्य रात्रि तक आप भरेंगे, लेकिन जल्दी करना क्योंकि कई बार साइट हैंग हो जाती है और दिक्कत बढ़ जाती है, इसलिए 18, 19, 20 तक आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची डाउनलोड करना, सूची अवेलेबल हो जाएगी आपकी 27/5 से 31/5 के बीच। और उसके बाद अगला पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहा है जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन एवं जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, वो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में। तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन होगी, मे बी तब तक ऑफलाइन होने के कुछ चांस बन जाए। अभी तो कोरोना संकट के चलते कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 40,000 आवेदनों पर निरस्तीकरण का रिजेक्शन का खतरा बना हुआ है, कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं। तो अगर ये 40,000 रिजेक्ट होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी कमियों की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, जब तक कन्फर्मेशन नहीं आएगा कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है और ये सिर्फ एक कयास है। ऑफिशियली अभी कुछ भी ऐसा आया नहीं है, लेकिन सुना है कि वहाँ कुछ ऐसा है कि कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर में बच्चे की गलती है तो उसकी वजह से कैंसिल हो सकता है, या कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा और एकदम से जो प्रतिस्पर्धा है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1,06,000 आवेदन ऐसे केस में बचेंगे। ठीक है, तो हर पद पे 1.5 बच्चा रह जाएगा, अभी हर पद पे हमारा 2 बच्चा अलग। अभी एक खबर और आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ बच्चों ने अपनी मार्कशीट जो है वो वायरल की हुई है, जिसमें 149, 142 ऐसे करके मार्क्स दिखाए गए हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चों के इतने मार्क्स आ गए हों, कोई बड़ी बात नहीं है, और मे भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट उनका रहा हो। तो ऐसा कुछ कहना कि परीक्षा में धांधली हुई है या नहीं हुई है, ये 1.5 साल पुरानी बात हो गई, और किसी इंडिविजुअली के लिए कहना बहुत मुश्किल है जब तक कि बहुत पुख्ता प्रूफ ना हो। अगर होता किसी का पुख्ता प्रूफ, तो ऑब्वियसली वो अब तक कोर्ट में दिख गया होता और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया होता, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हाँ, 200, 400, 500 तक बच्चों का ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 140, 142 नंबर रहे हों, लेकिन बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा नंबर इन छात्र छात्राओं का नहीं है, आई एम श्योर। अगला पॉइंट क्या है, अब बात आती है गुणांक की। तो देखिए, गुणांक लोग कह रहे हैं कि कौन सा सेफ है और कौन सा अनसेफ। तो अगर हम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 65+ अगर किसी का गुणांक है तो वो सेफ हो सकता है, तो इट मे बी सेफ हो, बट कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई और फैक्टर्स भी हैं। कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, जैसे कि यूपी में आपका टीजीटी का रिजल्ट, उसमें काफ़ी नियुक्तियाँ हो गई हैं। यूपी पीसीएस 2017 का रिजल्ट फाइनल हो गया, तो वहाँ पे भी कुछ नियुक्तियाँ हो गई हैं। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय केवी और एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन में भी कुछ नियुक्तियाँ हो गई हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ज़रूर शिफ्ट हुए होंगे, जिसका असर यहाँ पे मेरिट पे पड़ेगा, बट वो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। और एक और बड़ी भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में, जो कि कांस्टेबल लेवल पे हुई थी। तो ये कुछ भर्तियाँ हैं हुई हैं इस 1.5 साल पौन 2 साल के पीरियड में, जो कि काफ़ी इफेक्ट तो डालेंगी, बट ये इफेक्ट इतना बड़ा नहीं होगा कि गुणांक में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। बट फिर भी आप रिज्यूम कर सकते हैं कि अगर 65 के आसपास, जैसे कि गैस कर रहे हैं हम लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं कि गैस कहीं आसपास भी सही हो, मे भी ये सही हो जाए। तो अनरिजर्व की हम बात कर रहे हैं 65 तक, 65+ आप इसको कह सकते हैं, ओबीसी 63+, एससी 60+, और
एसटी तो ऑल एक्स वाई जेड जितने भी नंबर हों, आपको पता है कि 270 लोग तो कुल यहाँ पे पास हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे उन सबको नियुक्ति मिलनी 100% तय है। और इसके बाद शिक्षा मित्र का ऑलमोस्ट होना ही होना है उनका, तो आपको पता है कि बाहर आंक कितना ज़बरदस्त है, 25 अंक उनको मिलने जा रहे हैं मैक्सिमम, 25 अंक जिसको मिल जाएंगे 100% उसका सिलेक्शन कहीं गया ही नहीं है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए काउंसलिंग के लिए, वो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका आवेदन पत्र की प्रति, फोटोकॉपी या अगर ये प्रिंट, वो आपका चाहिएगा। इसके अलावा आपका 10th और 12th की मार्कशीट और सॉरी सर्टिफिकेट, अगर दोनों एक साथ मिले हुए हैं, आजकल कुछ काफ़ी बोर्ड्स में ये हो गया कि मार्कशीट और सनद एक साथ आ जाते हैं, तो वो एक ही काम करेगा। अदरवाइज 10th का मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग, 12th का मार्कशीट अलग सर्टिफिकेट अलग, तो ये दोनों ईयर के सर्टिफिकेट्स आपके चाहिएंगे ही चाहिएंगे, ठीक है। ऐसे ही डिग्री का, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी कि डिग्री कॉपी और मार्कशीट की कॉपी। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री के लिए भी अभी टाइम मिल सकता है, वैसे तो 6 महीने तक तो प्रोविजनल डिग्री टाइम मिल चल वैलिड होती है, बट उसको लेने के लिए भी टाइम मिल सकता है क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय जो है मूवमेंट आवागमन जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है, तो आपको समय निश्चित रूप से वहाँ पे मिलने के चांस हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण योग्यता जो भी रही हो आपकी, उसके भी डिग्री मार्कशीट और प्रमाण पत्र प्लस TET के प्रमाण पत्र। इसके अलावा फोटोग्राफ आपसे मांगा जा सकता है, अभी तो सब कुछ चूँकि ऑनलाइन मांगा जाएगा तो ऑब्वियसली 10 कॉपी की जगह एक ही से काम हो जाएगा, लेकिन अगर काउंसलिंग फिजिकल हुई तो फिर 10 कॉपी तक आपसे मांगी जा सकती हैं। और अगर 68,500 की बात करें तो वहाँ पे 500 रुपये का एक DD भी मांगा गया था, तो ऐसी उम्मीद अभी भी है कि एक DD मांगा जाएगा आपसे। जनरल कैटेगरी में मांगा था 500 रुपये का उसमें, और SC ST में मांगा था 200 रुपये का, तो जनरल और OBC आप कह लो कि 500 रुपये और बाकी SC ST जो है वो 200 रुपये का DD मांगा गया था, लेकिन इस बार DD तो नहीं मांगा जाएगा। मांगा जाएगा तो क्या मांगा जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट मांगा जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन संबंधित आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो SC ST का या OBC का, और अगर हम बात करें गुणांक की, गुणांक कैसे बनेगा तो सब आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी के सपोज हाई स्कूल यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण, इन चारों आप कह लीजिए कि 70-70% नंबर हैं, तो हर ईयर के लिए 7 नंबर आप जोड़ लो, 7 + 7 + 7 + 7 = 28, उसका ये हो गया जो एकेडमिक है, और इसमें आप ऐड कर लो जितने मार्क्स वो सुपर टेट में लाया है। सपोज़ वो 70% मार्क्स सुपर टेट में लाया है, तो सुपर टेट के कितने मार्क्स जुड़ेंगे इन 28 में, 28 में जुड़ेंगे 70 × 60/100, तो 7 × 42, 28 + 42 कितना हो गया 70, ये उसका गुणांक हो गया। इस ढंग से आप गुणांक अपना कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी तुरंत हम आपको उस अपडेट को लेकर आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।